एज एन आर्टिस्ट हर फील्ड पे मैंने काम किया, लेकिन फोकस जो रहा मेरा वो इस क्लब पर रहा। मेरे काम की शुरुआत मेरे अपने घर से हुई, वालिद साहब ने मुझे काम सिखाया। उस टाइम पे हालात कुछ ऐसे थे, इन सब चीजों को समझना, मटेरियल लेना और यहाँ तक सफर करना मेरे लिए बड़ा मसला था। उस टाइम जो भी मुझे इर्द गिर्द जो मटेरियल मिला उससे मैंने कुछ सीखने की कोशिश की। मैंने जो काम किया उसमें काफी लेबर की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। मेरे वालिद साहब स्कल्पचर करते थे तो वो एक इंडियन टाइप की जो थीम थी, इंडियन टाइप से जो वर्क था उसको थोड़ा चेंज करना था मुझे। फिर 93 से मैंने सोचा कि इसको चेंज किया जाए, तो कुछ बुक्स मुझे मिले माइकलएंजेलो और बर्नानी के, उसमें कुछ काम चेंज था क्योंकि जो वालिद साहब जो करते थे इंडियन थीम से वो कुछ चेंज थी। उसको दोनों को मिला के एक नए काम को तकलीफ देना था, वो मैंने किया। डेली में ये करता था कि 5-10 बंदे एक शिकल के दिमाग के अंदर सिलेक्शन करता था, उसको महसूस करता था कि ये लोग कैसे हैं या उसकी फीलिंग कैसी है या स्टेप से वो बंदे कैसे होते हैं, उसको मैंने बड़े एक बारीकी से समझने की कोशिश की ताकि वो सब चीजें मैं अपने स्ट्रक्चर में ला सकूं। वक्त के साथ आपको हथियार चेंज करने, मशीनरी टूल जितने जो सिस्टम है आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि जो पहले जिस टाइप से काम होता था अभी तक उसको छोड़ना नहीं है, नहीं उसको छोड़ना है क्योंकि नया दौर है, नई मशीनरी है, नया मटेरियल है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। एक आर्टिस्ट का कोई मखसूस मजहब या कोई दायरा नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंसानियत और कुदरत का जो निज़ाम है जो रियल नज़र आ रहा है वही होना चाहिए, ना कि वो मजहब के लिए काम करे और मजहब के दायरे में रह के कदम बढ़ाए अपने, ये लाजमी नहीं है। आर्ट तो मेरा ख्याल है बड़ा एक पॉइंट है, लोगों के मसले अपने एहसास इर्द गिर्द के माहौल को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। अकेलेत के हवाले से जितने पहले कुछ मसाइल थे अभी इतने नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई अकेलेत के लिए मसला हो, जो मेहनत करेगा उसको सिला मिलेगा। और मुझे तो ये फख्र महसूस होता है कि मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, मैं पाकिस्तानी हूँ और इसमें मैं कुछ कम या बढ़ के ये नहीं हूँ, और मैंने जो कुछ मेहनत की है मुझे उसका सिला मिला है और आगे अच्छी कुछ रिजल्ट मुझे मिल रही है। और मेरे जैसे और भी जितने भी है वो मेहनत करें, उसका सिला ना मिले तब वो बात करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें तालीम में आगे जाएं और अपने जितने जितने जो भी शोबे हैं उसके अंदर दिल लगा के काम करें। तालीम बढ़ेगी, माशरा बदलेगा, सोच बदलेगी, पहले का जो निज़ाम है वो चेंज होगा, जाहिर है अच्छाई की तरफ सिलसिला रवान दवा है और नतीजा भी अच्छा निकलेगा। हमें खत लिखिए दिल से पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 1615 इस्लामाबाद, या व्हाट्सएप या एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 03215959000, या आप हमें फेसबुक पे राब्ता कीजिए दिल से पाकिस्तान। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए #दिल से पाकिस्तान। हमारी वेबसाइट है www.dilsepakistan.com।